हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कुछ सवाल हम लोगों ने हल किए थे। आज उसी के आगे के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसी सवाल को आगे लेकर चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आपके एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, शायद टाइम डेट भी आ गए होंगे टाइम टेबल के। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत कीजिए और साथ साथ में जो है जो आपके अनसॉल्व पेपर हैं, जो मॉडल पेपर हैं, उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। जितने मॉडल पेपर आप सॉल्व किए रहोगे प्यारे बच्चों, उतना ज़्यादा आपको जो है परीक्षा के दौरान आपको जो है सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसी रिलेटेड बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो चैनल है टॉप 10 क्लासेस, ये लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे आपको कुछ ना कुछ हर एक सब्जेक्ट में आपको बताते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आप बने रहिएगा और साथ में अपने दोस्तों फ्रेंड मित्रों को जोड़िएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए, आज आपके टाइम को ना लेते हुए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन है सर, 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड और 4 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड और 4 पिको फैराड। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मान लेते हैं C1 इक्वल टू कितना दिया है, 2 पिको फैराड, ठीक। C2 इक्वल टू कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 3 पिको फैराड है। उसके बाद C3 इक्वल टू दिया गया है 4 पिको फैराड। फिर इनको कह रहे हैं कि सबसे पहला क्रम कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इनको किस क्रम में जोड़ते हैं डियर स्टूडेंट? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि समांतर क्रम कैसे जोड़ा जाता है, तो हमने अपने वीडियो लेक्चर में बताया है कि समांतर क्रम या पैरेलल क्या होते हैं आपके। तो वह क्रम या वह संयोजन जिनमें संधारित्रों के किसी एक सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिए जाते हैं तथा दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिए जाते हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखिए, ये क्या है? C1 है, ये C2 है, ये क्या है? C3 है। ये स्टूडेंट, C1 का मान आप 2 पिको फैराड है। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा है संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल धारिता। तो डियर स्टूडेंट, हमने थ्योरी क्लास जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए होंगे कि जब संधारित्र पैरेलल क्रम में जुड़ा रहता है तो कुल जो धारिता होती है वो क्या होती है? C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप देख सकते हैं C1 का मान कितना है? 2 है, और C2 का मान कितना है? 3 है, C3 का मान कितना है? 4। तो 4 × 3 = 7 × 2 = 9 पीको फैराड। तो ये C के मान आ गए प्यारे बच्चों, ठीक। अब आपको इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा पार्ट है, यदि संयोजन में 100 वोल्ट की संभरण से सप्लाई से जोड़ दिया जाए, क्या कर रहा है? 100 वोल्ट के संभरण की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, दूसरे पार्ट में कह रहा है यदि V बराबर 120 वोल्ट के संभरण से, ये जो बैटरी है वो 120 वोल्ट के संभरण से इस संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो इस संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर आपको आवेश का मात्रा ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग मानते हैं कि, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम कि आपको जो है आवेश ज्ञात करना है, तो आप आवेश आसानी से ज्ञात कर सकते हो डियर स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले C1 संधारित्र पर आवेश, C1 पर आवेश की मात्रा, C1 पर आवेश की मात्रा। तो प्यारे बच्चों, Q1 इक्वल टू का हो जाएगा, इस पे आवेश की मात्रा Q1, इस पे Q2, इस पे क्या हो जाएगा? Q3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू कितना हो जाएगा? V, C1 इंटू V। तो C1 के मान आपके पास पड़े होंगे प्यारे बच्चों, 2 है पीको फैराड को। तो डियर स्टूडेंट, पीको फैराड को हम लोग किस में बदल देंगे? फैराड में बदल देंगे। तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, या तो आप क्या कीजिए,
पीको फैरेड में न बदलते हुए आप आगे इसको वैसे भी लगा सकते हो क्योंकि आपने आवेश का मान पीको फैरेड में निकाल के रखा है, और नहीं तो बदल भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो C1 के मान कितने हैं, 2 हैं, और V आप देख रहे हैं कितना 120 है। तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 0 में 0, 2 2 4, 2 1 2, तो 240 पीको कूलाम आ जाएंगे ये Q1 के मान। इसी प्रकार हम लोग किस पे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, C2 पर आवेश की मात्रा, किस पर, C2 पर आवेश की मात्रा। तो C2 पर आवेश की मात्रा Q2 है इंटू इक्वल टू का आ जाएगा C2 इंटू V। तो C2 का मान कितना है, 3 पीको फैरड है, मल्टीप्लाई V का मान 120 वोल्ट है। ठीक डियर स्टूडेंट, अब क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर दो 3 0 में 0, 3 2 6, 3 1 3, तो 360 का आ जाएगा, बोलो जी पी को कुलाम आ जाएंगे, ये Q2 का मान आ गया। इसी प्रकार का निकाल लोगे C3 पर आवेश की मात्रा का हो जाएगा, अरे प्यारे बच्चों C3 पर आवेश की मात्रा Q3 हो जाएगा इंटू C3 इंटू V। तो C3 का मान का है 4 है, और V का मान कितना 120, तो गुणा कर दो 4 0 में 0, 4 2 8, 4 1 4, तो 480 पी को गुलाम आ जाएंगे। इस प्रकार आपका जो ये क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जरा सा आंसर मैच करा लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों तो आपके आंसर सही आए हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट जो 8 नंबर एक सवाल है वो 8वां नंबर बोर्ड के पेपर में उसके आधार पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट। तो 8वां वाला जो सवाल है उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आपको आ जाए। तो चलिए 8वें नंबर को सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। 8वां नंबर क्या कर रहा है, प्लेटों के बीच क्या कर रहे हैं, प्लेटों के बीच एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का, यानी कोई प्लेट है, ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8, 2 समांतर प्लेट है उनके बीच क्या भरा हुआ, वायु भरा है, क्या भरा है, वायु भरा है। चलो भाई साहब हमने वायु भर लिए, अब क्या करें, समांतर प्लेट है, संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर है, यानी ये जो प्रत्येक प्लेट लगाए गए हैं इन प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है क्षेत्रफल, चलो ए बराबर 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर हो गए, इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हो गए, उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, क्या है 3 मिलीमीटर, यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो 3 mm है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग डी से दिखाते थे, ठीक, तो ये 3 mm हो गए, तो mm को मीटर में बदल दो, मिलीमीटर को मीटर में बदल दोगे तो 3×10⁻³ मीटर हो जाएंगे। चलो और आगे कंटिन्यू करते हैं, करा संधारित की धारिता ज्ञात करो, संधारित की का ज्ञात करना है धारिता, यानी सी का ज्ञात करना है धारिता, सी बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ साथ में करें यदि वी बराबर 120 वोल्ट हो जाए, यदि वी बराबर का हो जाए 120 वोल्ट हो जाए तब क्या होगा, तब आवेश की मात्रा। अरे दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि जब प्लेट दो समांतर प्लेटें एक कुछ दूरी पर रखी होती हैं तब धारिता क्या होती है, तब धारिता होती है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ए का मान आपने देख ही रहे हैं 6×10⁻³, फिर क्या है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आप जानते हैं 8.85×10⁻½, और प्लेटों के बीच की जो दूरी डी है वो है 3×10⁻³। तो डियर स्टूडेंट इनसे इनसे विदाई हो जाएगी, 3 1 3, 3 2 6, तो 2×8.85×10⁻½, गुणा कर दीजिए 2 5 10, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, यानी 17.70×10⁻½, ये आ गई फैरड, इसकी धारिता आ गई, सी का मान आ गया। ठीक डियर स्टूडेंट, सी के मान आपने निकाल लिए, यानी प्लेटों के बीच की जो धारिता है ये आ गई आपकी। अब आपको दूसरा प्रश्न इसने क्या पुटअप किया है कि क्यू का मान ज्ञात कीजिए, यदि वी बराबर कितना हो जाए 120 वोल्ट हो जाए, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, मिटा देते हैं भाई साहब,
यदि V का मान का हो जाए 120 वोल्ट हो जाए। दूसरा, यदि V बराबर 120 वोल्ट हो जाए तो Q का मान, तो Q बराबर आपने पढ़ा है C इंटू V, अरे C का मान तो आपने निकाल के रखे हैं, रख लो 17.70 गुणे 10^-12, अरे V का मान कितना है 120 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद, हल उल करने के बाद आपके आंसर आ जाएंगे प्यारे बच्चों, ये 100 वोल्ट से जोड़े हैं, 120 वोल्ट नहीं, यहाँ 100 वोल्ट जोड़ा गया। तो हम लोगों ने जरा सा क्वेश्चन को गलत उतार लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, 120 वोल्ट से जोड़ते तो 120 से मल्टीप्लाई करते, ठीक। अब देखो यहाँ 17.70 है गुणे 10^-12, क्या इस 100 को 10^2 नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, 12 में से 2 ठो घटा दीजिए, 17.70 गुणे 10^-10 कूलम। अगर ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना तो पॉइंट उठा के इधर लाओ एक अंक, इधर एक अंक लाओगे तो उसमें कम कर दीजिएगा तो कहा जाएगा क्यू बराबर 1.7 × 10^-9 कूलम हो गए, बस यही तो करना है, ठीक। 13 है 8 नंबर क्वेश्चन, फिर कहते हैं चलिए 9 नंबर की तरफ बढ़ चलते हैं। 9 नंबर भी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो आप उसको जरा सा इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें महत्वपूर्ण होते हैं वही आप लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, प्रश्न 8 में दिए गए संधारित्रों के प्लेट के बीच की दूरी 3 mm है, क्या बोल रहे हैं आप लोग जानते हैं, आपसे बोल रहे हैं कि सब कुछ वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपने हल किया है, जो चीज़ 8 में है वही चीज़ 9 में है, यानी इनके कहने का मतलब नहीं है, यह कहने का मतलब है कि जो 8 में डेटा सेट लिए हो, जो भी क्वेश्चन में दिए गए थे, सेम टू सेम डिट्टो वाला वही सब कुछ 9 में भी उतार लीजिएगा। तो आइए उतार लेते हैं ना, हेलो 9 नंबर का बोल रहे हैं कि प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो वही है 3 mm जो इससे पहले हमने लिखा था, डी बराबर 3 mm यानी 3 × 10^-3 मीटर, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, जो आपने प्लेट उपयोग में लाए हो उस प्लेट का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना है, अरे बोलो, प्लेट का क्षेत्रफल है 6 × 10^-3 मीटर इसका। अब क्या बोल रहे हैं, अब इस बार वो बोल रहे हैं ना कि इसी प्लेटवा के बीच अगर हम लोग का भर दे, एक अभ्रक शीट भर दे, का भर दे एक अभ्रक शीट भर दे, और जिसका परावैद्युतांक दे के बैठे हैं के बराबर 6, यानी 6 परावैद्युतांक वाला कोई अभ्रक शीट भर देते, तब धारिता क्या होगी। अरे डियर स्टूडेंट, मैंने थ्योरी पढ़ाया है, थ्योरी पढ़ाते समय ये बताया है कि जितना परावैद्युतांक वाला कोई भी सीट यहाँ भरोगे ना उतना गुना धारिता बढ़ जाएगी। तो अभी जस्ट इससे पहले हमने का निकाल के रखा था बबुआ, सी बराबर आपने हल किया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उसको आपने हल किए थे, तो शायद आप लोगों ने जो हल किया था वो सी का मान आया था 1.7, कितना आया था डियर स्टूडेंट, 1.77 × 10^-11, या तो 0.7 यहाँ रहा होगा और ये का भाई साहब रहे होंगे 12 रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने ये सी निकाला था, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, के बराबर 6, तो जब आप 6 परावैद्युतांक वाला कोई सीट उसमें रख दिए तब जो धारिता होगी, तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच के बराबर 6 परावैद्युतांक वाले पदार्थ का भाई साहब परावैद्युतांक वाले पदार्थ रख दिए जाए तो धारिता का होगी, जानते हो, तो धारिता जो होगी वो सी डैश हो जाएगी, मान लिए तो धारिता का हो गई सी डैश हो गई। ये जो सी डैश होती है ना ये प्रोपोर्शनल हो जाती है के, यानी का हो जाएगी ये प्रोपोर्शनल के, यानी जो परावैद्युतांक बढ़े रखे हो ना उतने गुना हो जाएगी। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाए, एक नियतांक लगाए सी के कर लिए, यानी जो सी डैश है ना वो पुरानी धारिता सी और जितना परावैद्युतांक रखे हो उसी के गुना हो जाएगी। तो पुरानी परावैद्युतांक कितना है 17.70 × 10^-12 के, तो गुड़ा कर भाई रे
गुड़ा का यो लज्जा बना, तो गुड़ा कर एक बात पता चला आंसर कितना आ जाए 101.1 मल्टीप्लाई आपने किया तो 1.062 गुड़े कितना आ जाएगा 10^-10 फैरड 10^-10 फैरड। तो ये आ गए आपकी जो है जब अभ्रक रख देते हो तब। अब भाई साहब इन्होंने कहा है इसी में शायद आपसे पूछा भी गया है तब संधारित के प्लेटों के बीच का विभवांतर का होगा जब आप अभ्रक रख दिए, तो मान लेते हैं विभवांतर वी डैश हो जाएगा तो बराबर का हो जाएगा वी डैश बराबर का हो जाएगा क्यू बटे सी डैश। तो क्यू का मान, अरे क्यू का मान कहाँ से, इससे पहले आप लोगों ने क्यू का मान निकाला है, क्यू का मान आपने कितना निकाला था डियर स्टूडेंट, देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्यू का मान निकाला है, क्यू का मान निकाले थे 1.77 गुणे 10^-9 कूलाम और सी डैश का मान आया है 1.062 गुणे 10^-10। ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1.10 बचेगा, ये ऊपर लेके चले जाइए तो 1.77 1.062 गुड़े कितना आ जाएगा ऊपर गए 1.10 हो गए प्यारे बच्चों। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे और हल करोगे तो वी डैश बराबर कितना आ जाएगा जानते हैं डियर स्टूडेंट, वी डैश का मान आ जाएगा 16.67 वोल्ट 16.67 वोल्ट। हल कीजिएगा बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। जिस सवाल को आप लोग जो है 5 स्टार में जितना स्टार देना हो दे लीजिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर आप लोगों से क्या कह रहा है, चलिए 10 को भी कंप्लीट कर लेते हैं जरा सा, तो 10 की का मजाल है जो नया है हमारे बच्चों को। चलो 10वां क्वेश्चन भी देखते हैं। 12 पीको फैरेड की एक संधारित्र है, क्या कर रहे हैं 12 पीको फैरेड की एक संधारित्र है यानी C इक्वल टू का है 12 पीको फैरेड, बदलना चाहोगे तो इनको पीको फैरेड को आप फैरेड में बदल दीजिएगा अभी ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं जानते हैं, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा, बदल दीजिए 12 × 10^-12 फैरेड हो गया, पीको को फैरेड में बदलने के लिए 10^-12 से मल्टीप्लाई कर दिए ठीक, ये सी का मान आ गया। कितने वोल्ट से जोड़े थे भाई साहब, 50 वोल्ट की बैटरी से, यानी वी इक्वल टू कितना हो गया 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए थे। अब पूछ रहे हैं संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यानी यू की मान ज्ञात करना। अरे डियर स्टूडेंट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है बताए थे, जाके लेक्चर में देख लीजिएगा, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो U इक्वल टू का होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर 1/2। अरे C का मनवत यहाँ मिला है देखो क्या है 12 × 10^-12 और जो ये V है ना वो V का भी मान आया है तो घाते 2 है यानी 50 का गुणा 2 बार कर दिए, देखो 2 × 12 विदाई तो क्या बचे 6 × 50 × 50 × 10^-12। ए भाई साहब 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो को बुला लीजिए उधर तो क्या हो जाएंगे 6 × 5 = 30 × 5 = 150 150 आगे 2 जीरो लगा लो मल्टीप्लाई कर लिए 10^-12 1, 2, 3, 4 1.5 चार आए देखो 1, 2, 3, 4 चार ठो कम कर दो इसी में से करो कम तो कितना आ जाएगा, चार ठो कम करने का मतलब इसी में जोड़ दो यार, चार ठो प्लस कर दो 12 में से 4 घटाए 10^-8 का आ गए जूल आ गए, लिख लीजिए जूल। तो ये आ गए संधारित्र में संचित ऊर्जा, जरा से एनसीईआरटी महोदय से पूछो कि का आंसर सही आए हैं। तो भाई साहब 1.5 × 10^-8 जूल आए हैं, ये देखो आपके आंसर भी मिल गए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा सा, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये स्टूडेंट, इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे अध्याय 3 के साथ। इतनी देर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी इसको रख कर अध्ययन किए थे, अब तीसरे में क्या करोगे देखते हैं क्या करोगे। तो आइए 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से
एक 600 पिको फैराड की संधारित को आवेशित किया जाता है। तो 200 वोल्ट यानी V1 इक्वल टू का मान लिए 200 वोल्ट मान लिए, ठीक। अब C1 इक्वल टू का है 60 पिको फैराड है, तो इनको बदलना चाहो तो भी बदल दीजिएगा, तो 60 गुणे 10 घाते माइनस 12 फैराड हो जाएंगे। बदल दिए, चलो बदल लिए। अब फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते यानी अलग कर देते, एक बार जोड़े चार्ज कर लिए, फिर क्या कर दिए अलग कर दिए। फिर अब क्या करें, अन्य 600 पिको फैराड वाले अनावेशित संधारित से जोड़ देते हैं। अब कोई दूसरा संधारित है जो कि अनावेशित है, उसको जो है उसी से जोड़ देते हैं। ये कितना है, ये 600 पिको फैराड है, इनको बदल दो जरा सा, तो 600 गुणे 10 घाते माइनस 12 फैराड, ठीक। ये तो आ गए C2 का मान। अब क्या कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की ह्रास हुई ये आपको ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। तो V2 बराबर का हो गए, मान लीजिएगा V2 बराबर का हो गए 0, V1 200 वोल्ट थे, V2 का हो गए 0 हो गए। अब आपको क्या करा, ऊर्जा ह्रास ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट ऊर्जा ह्रास के लिए फार्मूले होते हैं, वो जरा सा आप लिख लीजिएगा, हमने उसको बना के रखा है। तो क्या होगा ये याद कर लीजिएगा, ऊर्जा क्षय का फार्मूला, ऊर्जा क्षय, ठीक, ऊर्जा क्षय E बराबर का होता है C1 C2 होते हैं, क्या होते हैं C1 C2 होते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो गए, ठीक डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या है 2 है, फिर क्या है C1 प्लस C2 है, C1 प्लस का है C2 है। आइए मान रख लेते हैं, तो C1 कितना है देखिए जरा सा, तो गौर फरमाइए 60 गुणे 10 घाते माइनस 12 है। V1 कितना है 200 है, और V2 कितना है 0 रख लो का होल स्क्वायर 2। C1 कितना है भाई साहब, अरे C1 पता चला 60 है, का है 60 गुणे 10 घाते माइनस 12। C2 कितना है 600 गुणे 10 घाते माइनस 12। अब इन्हीं को हल किए जाए, चलो हल करते हैं। तो अब देखिए ऊपर का है 60 गुणे 10 घाते माइनस 12, 200 में से 0 घटाओगे कुछ होगा नहीं होगा, तो 2 बार गुणा कर दो, 2 दूना 4 और 4 ठो 0 पूरे के बटे, अब 2 लिखे रहो यहीं पर। अब देखो दोनों में कामन का है 10 घाते माइनस 12, दोनों में कामन है और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 660 गुणे का आ गए कामन लेने के बाद 10 घाते माइनस 12 आ गए। 10 घाते माइनस 12 की विदाई हो गई, विदाई, चलो विदाई समारोह में हम लोग शामिल हो जाते हैं 60, ठीक। अब का है ऊपर है 4000, का है 4000 नहीं 4000 नहीं 40000 दो गुड़े। अब देखो 660 है, 0 से 0 की विदाई, 6 के 6 11 छक्के 66 कट गए, अब इनको भी कटा दो, 2 दूना 4 आगे 4 ठो 0, तो का बचे 4 0 ना, बटे कितना बचा 11। तो हल करोगे इनको जब भाग दे लेंगे, तो भाग देने पे आएगा डियर स्टूडेंट का आएगा जानते हैं, डियर स्टूडेंट चलिए अब इनको आप भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो चलिए 11 एक के कितना आता है 11 आ जाएगा, बचा कितना 9 आगे 0 है, 11 अट्ठे 88, ठीक। फिर बचा कितना 2 बच गए, 0 उतारे 11 इक्के 11, फिर 9 बचा 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचे 11 इक्के 11, इतने आ गए 1818.1, ठीक। अब ये आ गए आपके ई ऊर्जा ह्रास, आप चाहो तो 1 2 3 इधर ला सकते हो, 1.8 गुणे 10 घाते माइनस 3 जूल की जो होगी ऊर्जा ह्रास होगी, इतने जूल की ऊर्जा ह्रास होगी, ह्रास का मतलब होता हानि होगा। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो अपना ये प्यारा सा चैनल है जब तक आप लोग के एग्ज़ाम नहीं समाप्त हो जाते तब तक आपसे वादा करते हैं
कुछ ना कुछ आपके एग्जाम के दृष्टि से हर एक दिन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।